हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर मदरेन श्रीनिवास, योर डर्माटोलॉजी फैकल्टी इन दिस वंडरफुल सेरेबेलम एकेडमी। सो इन दिस वीडियो आई हैव राइट नाउ डॉक्टर हु हैज कंप्लीटेड हिज एफएमजी एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद 154 मार्क्स, डॉक्टर खुशवंत सिंह राठौर। सो आई फर्स्ट कंग्रेचुलेट डॉक्टर खुशवंत, हार्टीएस्ट कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम एंटायर सेरेबेलम टीम। So please tell me how is your feeling with the passing of this examination in the very first attempt in your words? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। फिर सबसे पहले तो सेरेबलम टीम ने मेरी बहुत मदद की इस जर्नी में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना ये तो अलग ही फीलिंग है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे लाइव लेक्चर्स एंड सारी मॉक एग्जाम सब देने के बाद में सर, और क्लियर कर लेने के बाद में तो ये एक अलग ही फीलिंग है, यानी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यस यस, दैट इज सर, आई कैन सी जो दिख रही है स्माइल, उसमें दिख रही है यस कि सर, कितना हैप्पी हो। सो दैट इज यस अ सर, वेरी ग्रेट थिंग। एंड आई हैव हर्ड दैट यू हैव यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली। सो यस सर, यस सर, आई एम फर्स्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑल्सो डॉक्टर, फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। यू आर फ्रॉम यस सर, राजस्थान, फ्रॉम अ विलेज, इजंट इट? यस सर, यस सर, यस, यस सर, so all your parents also must be feeling very happy and also proud at the same time. So can you tell me a few details about how did you do your MBBS, from where did you pursue your degree? सर मैंने अपना MBBS सर किर्गिस स्टेट मेडिकल एकेडमी किर्गिस्तान से किया है। एंड सर मैं 2018 यानी कि बैच में यानी कि गया था यानी वहाँ, और सर 5 ईयर की ये जर्नी थी सर, अमेजिंग, और साथ में स्टडी और सब कुछ, और फर्स्ट अटेम्प्ट निकल भी गया सर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी कि अब एक शांति महसूस हो रही है सर। सुकून शांति, सुकून, सुकून सुकून हो गया एग्जाम। है, एग्जाम हो गया है हाँ नहीं तो। बिल्कुल। तो यही अच्छा, है सर, पेरेंट्स पेरेंट्स भी हैं, माता यस जी? सर, मो बताइए। हाँ यस सर, नमस्ते मैं कुछ की मॉम बोल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते जी। आप नमस्ते सर। आपके सपोर्ट के वजह से आपका बेटा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम पास कर गया है, तो आप डेफिनेटली बहुत हैप्पी फील कर रहे होंगे। हाँ यस सर, बढ़िया वेरी वेरी हैप्पी सर, और बढ़िया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमारा साथ दिया तो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमने और आपने जो है सपोर्ट किया है, बच्चा पूरा हार्डवर्क किया है। आपके बच्चे को एक क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, हमारा हमारा सपोर्ट के वजह से ही हुआ है, पर हार्डवर्क जो डॉक्टर उन्होंने रखा है वो उसकी डेफिनेटली हमको याद रखनी चाहिए। और ऐसे अगर हार्डवर्क बच्चा रखेगा तो नीट में भी हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू धन्यवाद, जी, थैंक यू थैंक यू। ओके हाँ सर, थैंक यू सर। यस, सो आई कैन सी योर मॉम इज वेरी हैप्पी, माता जी बहुत खुश है। यस सर, यस सर, बहुत सो दैट इज अरे अ माता जी बहुत खुश है। दैट स्माइल इज वेरी मच इन्फेक्शियस, एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू मोटिवेट एंड इंस्पायर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर यू इट इज गोइंग टू बी अ मोटिवेशन फॉर योर नीट प्रिपरेशन ऑल्सो। सो बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, कैन यू प्लीज एलोबरेट हाउ वॉज योर प्रिपरेशन वेन यू एंटर द सेरेबेलम इन योर वर्ड्स? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्टार्ट तो सर अर्ली कर दिया था मैंने पहले ही, हाँ यानी कि वहाँ 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि साथ में स्टडीज वगैरह सब, यानी कि वहाँ ही वीडियो लेक्चर्स वगैरह, जैसे ही सेरेबलम आया था सर फर्स्ट हाँ में, 4th ईयर के एंड में ही मैंने यानी कि सेरेबलम परचेस कर लिया था, और वहाँ से ही मैंने वीडियोज वगैरह सब, सबसे पहले मैंने सर गोविंदराय गर्ल्स फार्माकोलॉजी से स्टार्ट किया, वहाँ बढ़िया से यानी कि बढ़िया, वो, हाँ वहाँ से यानी कि धीरे धीरे बढ़ने लगा इंटरेस्ट, धीरे धीरे मैं करता गया सब कुछ, और फिर यहाँ पे आकर भी मैंने दूसरी कोचिंग वगैरह सब देखी थी, पर सर थोड़ा एक्सपेंसिव था थोड़ा, यानी कि फीस हाँ वगैरह सब। फिर अगस्त ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स यानी कि विवेक जैन सर का एक वीडियो आया यूट्यूब पे, यानी कि तो उन्होंने कहा कि सेरेबेलम भी लाइव क्लासेज यानी कि लॉन्च कर रहा है, फिर मैं दिल्ली दिल्ली गया था, बट सर मेरे को टाइफाइड हो गया था वहां अच्छा से, तो फिर मैं वापिस वापिस रिटर्न कर गया यानी कि घर पे, यानी कि ठीक है और ठीक फिर घर पे भी यानी घर पे भी लाइव क्लासेस वगैरह
चाहिए थे, तो सेरेबेलम आ गया अगस्त में, यानी कि 10th अगस्त स्टार्ट किया उन्होंने बोल, और उन्होंने फीस भी बहुत कम थी, 15,000 से फीस थी, तो बेस्ट डील लगी सर। और मैंने तुरंत सब्सक्राइब किया उसी दिन, यानी कि मैंने तुरंत ही ले लिया सेरेबेलम, और फिर मैं धीरे धीरे वहाँ लाइव क्लासेस, और प्लस सर टाइमिंग सर सेरेबेलम का वो सबसे अच्छा है, यानी कि हाँ नाइट में क्लास होगी, फिर मॉर्निंग में पूरा रिवाइज करने का टाइम, और साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम, और तो सर ये बेस्ट था, यानी कि बेस्ट, यानी कि इसके कारण साथ साथ में रिवीजन होता रहता था, और जैसे 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 कोर्स कंप्लीट किया तो लगभग 2 या 3 बार कोर्स वहीं कंप्लीट हो गया था, फिर बाद में जो फ्री टाइम बचा था उसमें रिवाइज किया, और सर इजीली एकदम एकदम इजीली निकला है सर एकदम के साथ, सर एकदम इजीली, यानी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यस सर। शुरू करने के बाद आपको पता चला कंसिस्टेंसी हो सकता है, क्योंकि रोज लाइव लेक्चर्स होते रहते हैं, साथ साथ आपको पढ़ने का भी टाइम मिल गया सुबह में, टाइमिंग्स भी आपके टाइमिंग्स हिसाब से अच्छे थे टाइमिंग। एकदम एकदम परफेक्ट। तो ये मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट होते होते आपके 2-3 रिविजन्स आराम से हो गए। इजीली सर एक बार तो क्या क्लास हो जाती थी, उसके बाद में तुरंत रिवाइज हो जाता था, और बीच हाँ बीच में फ्री फ्री में हॉलीडेज होते थे, यानी कि छुट्टी यानी हाँ हॉलीडेज होते बीच थे, में गैप तो वहां डेज। पे गैप गैप डेज में हाँ हाँ एक और बार वहाँ रिवाइज हो जाता था, तो वाह एकदम ग्रेट परफेक्ट ग्रेट परफेक्ट ग्रेट। चलता था, यानी कि। और जब सर पहले भी मैंने मॉक एग्जाम दिए थे, पर मॉक हाँ एग्जाम के अंदर मेरे 120 125 इस टाइप के नंबर आते थे, पर जैसे ही मैंने फार्मा और ये पीएसएम वगैरह किया तो मेरा 170 180 तक भी गया, और मैं 200 तक भी गया था, और ये बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस चीज ने मेरे को, यानी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस दिया सर उस बढ़िया चीज बढ़िया बढ़िया। ने। तो धीरे धीरे जो यस है जीटी आपने दिया, जीटी के स्कोर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। सर तो याद रखना यस सर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जीटी के स्कोर इंक्रीज होंगे, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। इनिशियली थोड़ा कम हो सकते हैं मार्क्स, पर याद रखो कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, पर आपको जीटी देना पड़ेगा। और एनालिसिस आपने किया जीटी के बाद, यस सर मैंने एक रजिस्टर बनाया था सर, कि जो भी मेरे रॉन्ग ग्रेट होते थे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखता था उस रजिस्टर में, बढ़िया, और फिर वो दूसरा जीटी जब मैं देता था तो उस एक्सप्लेनेशन को मैं वापस पढ़ता दैट इज था, इस वेरी तरीके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि से। हमने जो मिस्टेक्स किया है उनसे हमको सीखना चाहिए और उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने किया है, रजिस्टर मेंटेन करना। यस एंड ई एंड डी एग्जाम एंड डिस्कशन तो आप दिए पूरे होंगे, सर पूरे देखे सर पूरे या देखे। तो आपको कैसे लगा कि लाइव में टीचर जो है ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन देते हुए बताते हैं कि ये क्यों आंसर नहीं है, ये ई एंड डी कैसे लगे आपको? सर पहले तो क्या है सर एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में यानी कि पता तो सब था, यानी कि पर क्या क्या गलतियां हुई वो सर ने एक्सप्लेन कर दिया तुरंत ही, हाँ वहाँ एक्सप्लेनेशन जो रॉन्ग जो भी हुए वो एक्सप्लेनेशन मिल गया तुरंत ही, तो उससे पूरा यानी कि वही सेट हो जाता था सब्जेक्ट, यानी कि फिर यानी कि अच्छा लगता था, चलो गलतियां ही पता चल गया, जो सही है वो भी पता चल गया, सब कुछ एक्सप्लेन करते थे हाँ सर, तो वो एक बहुत ही बढ़िया लगता था, ये तो अच्छा था। सिंपली बोलने में बता सकते हैं कि एग्जाम डिस्कशन के वजह से हमको जो डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं और याद भी हो जाते हैं, क्लेरिफाई क्लेरिफाई बहुत दिनों क्लेरिफाई तक क्लेरिफाई सर हमारा मेमोरी में हो जाता है, मेमोरी में सर, मेमोरी में रह ये जाता सर है। या मेमोरी वेरी में तो सर जो टाइमिंग वाला जो है, यानी कि फर्स्ट में लाइव अटेंड करो और मॉर्निंग में रिवाइज करो, जो हाँ जो 2 टाइम्स जो सर हो जाता था उससे यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती थी, वही दिमाग सबसे में बेस्ट जैसे लगा, यानी कि चिपक वो जाता है दिमाग में टिपा भी जाता सर, बेस्ट एकदम बेस्ट, यानी कि बैठ जाता एकदम है, बेस्ट, मतलब वेरी गुड यस वेरी सर गुड। यस हाँ सर वो बात सही है। यस आप जैसे दूसरे ऐप्स में जो प्रॉब्लम यही है कि वो रिकॉर्डेड होते हैं, 1 घंटे पढ़ने के लिए खोल सर और 1 घंटे के बाद चलो चाय पीते, चलो इंस्टा देखते हैं, ऐसे करके पूरा बर्बाद हो जाता है। यस पर लाइव सेशंस सर में अच्छी बात, खास बात ये होती है कि आपके सामने फैकल्टी बैठ के पढ़ा रहे, तो यार फैकल्टी फैकल्टी पढ़ा रहा है, हमको क्या कुछ सुनना है, बस थोड़ा लिखना है और समझना है, अगर डाउट्स है तो पूछना है, तो इसका मोटिवेशन जो है आ जाता है अगर हम फैकल्टी को सामने देखते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। तो यस सर आप साथ में आपको सर या लाइव लाइव चैट्स भी चलती थी, लाइव चैट्स चलती थी वहां पर भी बच्चे डाउट्स डालते थे, तो वो या हंसी मजाक और सब, यानी कि तो 7 घंटे 6 7 घंटे कब निकल जाते थे कुछ पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता, एकदम बहुत यस बीत इतना ही जाता है, चल रहा बस है, बहुत टाइम गुजर बीत जाता जाता था, टाइम गुजर जाता था साथ एक्चुअली, साथ पढ़ाई भी हो जाती है और हंसी मजाक भी हो जाती है उसके साथ एंड सब कुछ। सर लास्ट में जो मैराथन जो हुआ था हाँ सेरेबेलम का मैराथन,
सब प्रीवियस ईयर टॉपिक सब जो डिस्कस हुए थे सर वो बेस्ट था, यानी उसमें हाँ जो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ है कि लास्ट में, तो वो तो मजा ही आ गया यानी सर हाँ वो बेस्ट था ये सर। लाइव सेशंस का मजा अलग ही होता है, और वो भी मैराथन, जैसे आपने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि एग्जाम हॉल में उनको सुनाई दे रहे थे, मतलब फैकल्टी आके यस आंसर्स बोल रहे, अरे मार्क करो ये बोल के, ऐसा लग रहा था, बहुत सर सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे थे ऐसा। सर मैंने क्या है सर, यानी कि इतना ज्यादा यानी कि जैसे कि पढ़ाई नहीं किया, पर मैंने क्या लाइव अटेंड किया, उसके बाद मैंने रिवाइज किया अच्छे से, और मैंने मैराथन अटेंड किया अच्छे से, मैंने क्वेश्चंस लगाए यानी कि, तो उससे मेरे को यानी कॉन्फिडेंस, और मैंने मॉक एग्जाम बहुत दिए, मैंने लगभग 10 से 12 मॉक एग्जाम दिए यानी कि, बहुत है, और बहुत अच्छा। पुराने पुराने जो थे यानी कि वो भी मॉक एग्जाम मैंने पूरे दिए यानी कि, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस होगा, और एग्जाम में जाके मेरे को बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं हुआ यानी, हाँ और मैंने आराम से पूरा किया पेपर यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो या सर। व्हाट एवर यू आर टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको हमने पढ़ा बोल के एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और या फाइनल एग्जाम जो है उस दिन हम जैसे जीटी दे रहे हैं वैसे ही दे के आ जाते हैं, आराम से, आराम से रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम टाइम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं एग्जाम देते वक्त, और उसके वजह से सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, और उसके वजह से 148, 140, 140, 150 के बीच में अटक जाते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। तो सिली मिस्टेक्स का बात हो रहा है, आपने कोई सिली मिस्टेक्स किया जो आप सोचते थे कि अरे अवॉइड हो सकते थे, ऐसा एग्जाम में ऐसा हुआ? मिस्टेक्स तो किए हैं सर मैंने, वो थोड़े हाँ, अवॉइड हो सकते और थे, आपने जीटी दिया ना, इसके वजह से वो मिनिमाइज हो गया, पर हाँ बट सिली मिस्टेक्स थोड़े नहीं बहुत नहीं हो जाते। बहुत बहुत मिनिमाइज हो सकता था सर, हाँ बट फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा यानी कि हो गया था यानी कि थोड़ा सा एंग्शियस टाइप भी, पर मैंने मेंटेन कर लिया वो लास्ट तक यानी कि हाँ फिर हाँ वो मेंटेन कर पाना, मतलब बैलेंस जो है ना, गेट दी बैलेंस राइट, यस तो सेरिबेलम का टैगलाइन भी है, और जैसे आपने बोला हमारा जो है सेरिबेलम का यही मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पास ही पहुंच जाए, इसीलिए हमने फीस भी लो रखा है, फॉर दी स्टूडेंट्स बाई दी टीचर्स, तो ये टैगलाइन यस सर मतलब सूट होता है सेरिबेलम के लिए, है ना? तो आप अगर कोई स्टूडेंट्स जो भी पास नहीं हो पाए, जो एग्जाम देना चाहते हैं उनको, आप अगर एडवाइस देना चाहते हो तो क्या बताना चाहते हो कि वो चीज जो करना ही करना है और एक चीज जो नहीं करना चाहिए, सो एक डू और एक डोंट, आप अगर बताना चाहते हो तो कोई सलाह देना चाहते हो? सबसे पहले तो सर अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी टाइम में ही, हाँ और सर सेकंड चीज जो है, जो पढ़ रहे हैं जीटीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ मेन एग्जाम में जब वहां जाएंगे तो थोड़ा ट्रेमर्स वगैरह कम होंगे यानी कि, और थोड़ा अच्छा रहेगा यानी एकदम स्मूथली बिल्कुल एग्जाम जाएगा। और डोंट्स तो मैं क्या ही कहूंगा यानी कि सब ज्यादा यानी कि फोमो, इधर फोमो बहुत सारे कोचिंगों में मत जाए यानी कि, हाँ इधर फोमो उधर यानी कि मैं एग्जैक्टली यानी कि मैं ग्रेट यहाँ से भी कर लूँ, वहां से भी कर लूँ, वहां से भी कर लूँ, एक ही सोर्स है, क्योंकि मैंने सेरेबलम पकड़ा तो सेरेबलम ही रखा लास्ट तक यानी, मैराथन भी मैंने बस उसकी ही देखी और सब बस लास्ट तक मैंने वही किया, बस तो हो गया गो थ्री। यस, टू सिंपली पुट इट, सो बच्चों ईयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को अवॉइड करो, बस एक सोर्स पकड़ लो, उस सोर्स से पूरा जो भी होता है पूरा पढ़ने की चीज होता है, नोट्स, क्वेश्चंस, वो सब, एग्जाम एंड डिस्कशन, जीटीज, और लास्ट रिवीजन, सब कुछ हो जाएगा, आप बस सेरिबेलम के पास आ जाओ, आपको जो भी आपको चाहिए होता है, आपको सिलेक्शन होने का, वो सारे चीज है इधर। ओके, सो नेक्स्ट, अभी आपके जो प्लान्स है वो क्या है, इंटर्नशिप करना है आपको? यस सर इंटर्नशिप अभी करेंगे, या और फिर वही यानी कि पीजी की प्रिपरेशन, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह उसकी प्रिपरेशंस यानी कि चलेंगे बस, और या रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मुझे एडवाइस पूछोगे तो मैं एडवाइस दूंगा कि इंटर्नशिप के बीच में और उससे पहले जो गैप होता है उसमें भी आप सेरिबेलम का लाइव क्लासेस जो है अटेंड कीजिए, और नीट और एनएसईटी भी आप डेफिनेटली क्रैक करोगे, और उसका ओके सर। सिलेक्शन के वक्त भी हम और एक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? यस सर बिल्कुल सर यस, बढ़िया 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 बेटा, ओके फीलिंग वेरी सर हैप्पी, सो ऑल द वेरी यस बेस्ट सर फॉर फ्यूचर डॉक्टर।
एंड या सो ऑल स्टूडेंट्स रिमेंबर नेवर गिव अप एज आई ऑलवेज टेल, नेवर गिव अप, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, डू योर सर, हार्ड वर्क, यू आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस, यू आर गोइंग टू अचीव, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीविंग योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. जस्ट सेलिब्रेट, कुछ दिनों के लिए सेलिब्रेट कर लेना, उसके बाद इंटर्नशिप खत्म कर लेना. या नेक्स्ट व्हाट गवर्नमेंट जॉब और नीट INSET उसका टारगेट ओके पूरा कर लेना बाद में. ओके बेटा, सर, ओके सर, ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग गाइस, साइनिंग ऑफ डॉक्टर मदरेन श्रीनिवास, बाय. ओके।